हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है रिलेटेड MCO3 से। बिजनेस रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे कि जो बिजनेस रिसर्च प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कि करके उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात कर लेते हैं कि बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, और इन प्रोसेस के बारे में एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या कब कब करना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च प्रोसेस के बारे में। रिसर्च का मतलब आपको पता है, जब आप किसी के ऊपर सर्च कर रहे होते हो, पता कर रहे होते हो कि क्या इसका रीजन है, क्या इसका फैक्ट है, एंड यू नो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना? इस रिसर्च को करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, रिसर्च इज रिसर्च एवरीवेयर एंड रिसर्च प्रोसेस इज मोर और लेस द सेम, है ना? रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो मोर और लेस सेम होता है, वेदर इट इज बिजनेस रिसर्च और एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च। अब रिसर्च आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस रिसर्च हो, किसी तरह का एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, या फिर किसी तरह का एजुकेशनल रिसर्च हो, रिसर्च जो होता है वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही होता है। ऑफ कोर्स हियर एंड देयर सर्टेन मॉडिफिकेशंस मे बी रिक्वायर्ड टू सूट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरिया ऑफ रिसर्च। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जैसा कि आपको बताया गया कि एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, बिजनेस रिसर्च सभी सभी जो है मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन चूंकि आप स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम कर रहे हो तो थोड़े बहुत यू नो मॉडिफिकेशंस इसमें पाए जाते हैं। द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेजेस। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग द रिसर्च एक्टिविटी, फिर आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, एंड फाइनली कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी एंड और रिपोर्टिंग, है ना? और फाइनली जाकर के हम कंसोलिडेट करते हैं जो भी रिजल्ट होता है, और फिर उसको उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द रिसर्च आर रिसर्च प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो। तो जो एक्टिविटीज हैं वो एक एक करके मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो एक्टिविटी हम करते हैं रिसर्च प्रोसेस में, वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्चेबल एरिया, है ना? तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना होता है कि आपको आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होगा। देखो, रिसर्च में हम करते क्या, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को चूज करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम का पता लगाना ही हमारा सबसे पहला काम है, कि आपका प्रॉब्लम क्या होगा, या फिर जो आपका रिसर्चेबल एरिया होगा, जिस टॉपिक का आप रिसर्च करोगे वो टॉपिक आपका क्या होने वाला है। सपोज मैं कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और मुझे टॉपिक है, मैंने चूज कर लिया है इंडिया चाइना ट्रेड वॉर, या फिर इंडिया चाइना जो जो हमारा ट्रेड है उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कि भाई ऐसा क्या करने से हम दोनों बेहतर हो सकते हैं, हम दोनों नहीं, हमारा जो कंडीशन है वो चाइना से बेहतर हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारा कंडीशन चाइना से काफी खराब रहता है, डिफिसिट है हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें, लेकिन फिर भी किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये रिसर्च में हम पता करेंगे, है ना? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है, जो कि हमारा था इंडिया चाइना ट्रेड वॉर, उसके बारे में मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, है ना? सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो। एक्वेंटेंस विद द करेंसी थ्योरी, करंट थ्योरी एंड नॉलेज एंड द वर्क डन इन दैट एरिया। तो आपको जो भी चीजें हुई हैं इन फ्यूचर, जो भी करंट थ्योरी है या फिर जो भी करंट नॉलेज है, उसके साथ आपको एक्वेंटेंस करना होगा, आपको उन सारी चीजों को समझना होगा, उन सारी चीजों को समझते हुए आपको जो अपना रिसर्च है उसको आगे बढ़ाना होगा। तो जो प्रीवियस चीजें हुई हैं उनके साथ आपको अभी वाली करंट सिचुएशन को रिलेट कर कर यू नो जो है आपको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना होगा। तीसरा पॉइंट होता है डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर क्लियरली। अब क्या करोगे, आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को ठीक तरीके से डिफाइन करोगे और स्पेसिफाई करोगे कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम आखिर है क्या, है ना? एक चीज जो है ना बहुत ही बड़ा हो सकता है अगर आप उसमें बहुत ही डीपली घुसोगे, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग में ही जो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर दो, कि मैं ये पता करना चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, एंड जो आपका स्पेसिफिक एरिया है वो ये है ना? तो डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस और एट लीस्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, है ना? तो आपको जो है चौथे नंबर में अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेना है। अगर आप हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो हुई नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसी चीज हो सकती है, अब उसको प्रूफ करने के लिए आपको जो है रिसर्च करना होगा। तो या तो आप हाइपोथेसिस कर सकते हो, या फिर आप अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, या फिर इस टॉपिक के ऊपर मैं सर्च करूंगी, रिसर्च करूंगी, है ना? पांचवा नंबर पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स डेटा। तो आपका जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, आपका सोर्स ऑफ डेटा क्या होने वाला है, यह आपको आइडेंटिफाई करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप बिजनेस रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं। छठा नंबर पॉइंट है क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन
इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्वेश्चनियर, शेड्यूल एंड स्केल्स, है ना। तो आप यहाँ पे आप जो जो भी जब आप रिसर्च करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चनियर आप बनाते हो, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लोगों से आप पूछते हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीजें जो होती हैं उनके लिए आपको जो है एक डेटा क्रिएट करना होता है, क्रिएशन और कंस्ट्रक्ट करना होता है डेटा को, ताकि आप क्वेश्चनियर, शेड्यूल्स या फिर स्केल तरह की जो चीजें होती हैं आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सको अपने रिसर्च में, है ना। तो बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का ये भी एक हिस्सा है। सातवां नंबर पॉइंट है प्री टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर पॉसिबल रिवीजन, है ना। जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं उनका प्री टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के पहले उसको टेस्ट करने को प्री टेस्टिंग कहते हैं। तो उसको आपको चेक करना आपका इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उसको उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ETC। अब आप काम पे लग गए हो, अब आपने क्या किया, अब आपने फॉर्मल एक्विजिशन किया डेटा का थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीजें करके आप डेटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो अपने पास में। नौवा नंबर पॉइंट है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। अब जब आपने डेटा को अपने पास रख लिया है, एक्वायर कर लिया है, तो आप उसको प्रोसेस करोगे और उसको एनालाइज करोगे आपकी सब कुछ ठीक है या नहीं है, किस तरीके से हमें काम करने हैं, राइट। और आखिरी पॉइंट होता है माफी चाहूंगा, और आखिरी पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा एंड फॉर्मल राइट अप दैट इज रिपोर्टिंग, है ना। जब आप डेटा को एनालाइज कर लोगे तो फिर आप इंटरप्रेट करोगे डेटा को और फाइनली आप अपना रिपोर्ट तैयार करोगे कि रिसर्च में आपने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह की चीजें। दीज एस्पेक्ट्स आर डील्ड विद इन डिटेल विद द यूनिट्स दैट फॉलो, है ना, ये अलग चीज है। तो ये 10 टोटल प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने आपको बताई हैं बिजनेस रिसर्च प्रोसेस में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। सो आप इसको याद कर लेना, और अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट में आपको MCO3 की और भी बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जिनको देख करके आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।